ये बताइए कि व्हाट कैन वी डू टू मेक श्योर दिस वायरस एक्चुअली स्टॉप्स स्प्रेडिंग, क्या हम कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, इसके लिए ये ज़रूरी है कि ऑफ कोर्स के वैक्सीन जो है इज़ नॉट कम्प्लीटली हम कहते हैं क्योरेबल, क्योंकि इसके साथ हमें ज़रूरी है कि आपका जो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ इन्वायरमेंट जो है बाकी जो है डिज़ीज़, मतलब कि प्रॉपर वाटर, क्लियर वाटर है, हाइजीनिक फूड है, और बेसिकली ये सारा डिजीज कंट्रोल बेसिकली जो है ना कि हम पोलियो के खतरे जो हैं वो ज़रूर पिलाएं और जाहिर बिल्कुल दें, आप वैक्सीनेट करें अपने बच्चे को और जितनी दफ़ा करवा सकते हैं करवाएं, लेकिन ये इसके साथ आपके लिए भी ज़रूरी है कि प्रॉपर आपका जो है आपके साथ जो है ये हेल्थ इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, कब करवाने चाहिए पोलियो के खतरे, कब पिलवाने चाहिए? देखिए, एक तो जो EPI प्रोग्राम कहलाता है, जो WHO ने एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसके तहत तो आपको करवाना ही है 9 मंथ्स तक का, उसमें और भी वैक्सीनेशन के साथ साथ आपकी पोलियो वैक्सीन शुरू होगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा, क्योंकि हम जो है ना वो एक समझ लें वॉर वाली सिचुएशन में है कि हमें इसको एरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ मतलब पीरियड्स के बाद वो अपनी कैंपेन चलाते हैं, तो जब वो कैंपेन चलती है आपको उसके अंदर भी वो करना है। असल प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि हमने अपने बच्चे को ठीक लगवा दिया, एक बार लगवा लिया, अब ज़रूरत नहीं है, या एक महीना आप 3 महीने पहले पिला दिया था, अब फिर आ गए, अब ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो मिस चाइल्ड है वो बेसिकली हमारे लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चा मिस करता है वो प्रोन हो जाता है, उसके काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसको इन्फेक्ट हो सकता है, तो अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो फिर वो आगे और लोग, और ज़ाहिर पोलियो जो है वो नर्वस सिस्टम पे हमला करता है, जिसकी वजह से आपके मसल्स तो होते हैं वो रह जाते हैं, एंड यूजुअली आपकी लेग्स जो हैं उनके अंदर पोलियो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चिल्ड्रन अंडर 5 यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इसका शिकार अक्सर बनते हैं, और बस इतना याद रखिए कि अगर हम अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं तो हमको फिर पोलियो के साथ खड़े होना है और लड़ना है उन तमाम चीज़ों से जो रोकती हैं हमें कि हम पोलियो के, देखिए आगाही की बात है, अगर आपको आगाही होगी कि इसमें आपका फ़ायदा है तो आप डेफिनेटली इसको करेंगे।